अक्सर हम मार्केट में बिना प्याज लहसुन के जब सॉसेस ढूंढते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, कई जगह तो मिलती ही नहीं है, तो क्यों ना उसे हम घर में बनाएं। लास्ट ईयर जब मैंने आपको प्याज लहसुन के साथ सिखाई थी तब काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने यही कहा था कि हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं चलता, तो चलिए आज उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं। ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस प्लस सोया सॉस का सब्स्टिट्यूट, तीनों सॉस बनाएंगे एक साथ। इस समय सीजन में आ रही है लाल मिर्च, ये ताजी लाल मिर्चें हर जगह आपको दिखेंगी, तो ये लाल मिर्च मैंने धोकर उसे पोंछकर उसके डंठल हटा के उसे कट कर दिया है, 250 ग्राम है। और ये जो हरी मिर्च है तो हरी मिर्च मोटी भी आती है और पतली भी आती है, मैंने दोनों को कट किया है। ये जो मोटी वाली है ये 250 ग्राम है और करीब 100 ग्राम के आसपास या उससे थोड़ी कम है जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ग्रीन चिली सॉस बहुत अमेजिंग बनेगी। एक पैन ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल लेते हैं, मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। इसमें डालेंगे कटी हुई लाल मिर्चें, इसके मैंने सीड्स नहीं हटाए हैं। इसमें डालेंगे करीब 1.5 टेबल स्पून के आसपास नमक, यहाँ मैंने सेंधा नमक लिया है, आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। नमक डालने से मिर्ची पकेंगी, गैस स्लो कीजिए, 3-4 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। इसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं डाल रही। अब एक और बात, इसमें और अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप अदरक के 2 पीस डाल देंगे, तो मेरे हिसाब से डालना चाहिए। अगर आप जैन फैमिली में हैं, आपके यहाँ बिल्कुल नहीं चलता, तो आप अदरक को भी स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस करके अदरक भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसे कवर कर देते हैं, इसे स्लो गैस पर तब तक पकाएंगे जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए और पानी भी सूख जाए। अब चलते हैं ग्रीन चिली सॉस बनाने, उसके लिए भी मैंने एक पैन रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल, इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा। हरी मिर्च आप एक भी ले सकते हैं, पर ये जो मोटी मिर्च होती है ना ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, ये बेस बनाने के लिए होती हैं। और ये जो मिर्ची हैं थोड़ी पतली वाली, मुझे आज मीडियम मिली है, और पतली भी मिल जाए वो भी ले सकते हो, ज़्यादा तीखी बनेगी, ये तीखेपन के लिए ला ली। इसमें भी हम अदरक डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम हम नमक डालेंगे। इसमें भी मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, आप नॉर्मल नमक यूज़ कर सकते हो। जब हम प्रेशर कुकर में इसकी विसिल लगाते हैं तो इसका जो एक्चुअल कलर रेड या ग्रीन कलर वो चला जाता है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में कभी भी ये सॉसेस नहीं बनाती हूँ। हमें कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात, जब ग्रीन चिली सॉस आप मार्केट से लाते हैं उसकी बॉटल पर जब आप देखेंगे तो उसमें एक पोटैटो डला हुआ होता है। कई लोग तो पोटैटो डालते हैं, कई लोग आलू का स्टार्च भी डालते हैं, लेकिन आलू का स्टार्च भी हमें हर जगह नहीं मिलता। आलू घर में होता है लेकिन उसको डालेंगे तो हमें प्रिजर्वेटिव 100% डालना पड़ेगा, वरना ख़राब हो जाएगी, तो हम आलू को ही हटा देते हैं। और इससे होगा ये कि जिनके घरों में आलू भी नहीं चलता वो भी ये सॉस खा सकेंगे। इसमें भी हम 4-5 चम्मच पानी डाल देते हैं। अब मैं इसे भी कवर कर देती हूँ, ये जब मिर्ची दोनों ही सॉफ्ट हो जाएंगी तब मैं मिलती हूँ। जो हरी मिर्च हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, पानी भी ड्राई हो गया है, गैस बंद कर देते हैं। इस गरम में ही हम क्या करेंगे, 4 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। तीन भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है मिर्ची हमें तीखी कैसी मिली है, तो मैं 3 के बाद थोड़ा और डाल देती हूँ। अब ये गर्म है ना, इसमें चीनी डाल दिया तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी और इसी पानी की वजह से हम इसको पीस पाएंगे, नॉर्मल पानी दूसरा हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। यहाँ एक और ट्रिक दूंगी आपको, कभी भी गलती से भी इन गर्म गर्म मिर्ची को कभी मत पीसिए, गर्म मिर्ची पीसेंगे तो इसका कलर जो है डाउन हो जाएगा। तो जैसा मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बता रही हूँ उसी हिसाब से आप बनाइए। ये लाल मिर्च भी जो हैं इसका भी पानी सूख गया है, ये सॉफ्ट हो गई हैं, इन्हें भी हम गैस बंद करके नीचे हटा देते हैं। अब इसमें भी हम चीनी डालेंगे, ये क्योंकि मिर्ची ज़्यादा है तो इसमें चीनी करीब 6 टेबल स्पून डाल रही हूँ।
ये पूरी तरीके से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी जब तक पानी छोड़े चीनी का और ठंडी हो जाए तभी हम इसे पीसेंगे। फिर चलेंगे सोया सॉस का सब्स्टिट्यूट बनाने। पीसते टाइम हम और क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। और हाँ, जब तक ये ठंडी हो जाए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, पास लगे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नई रेसिपी आप तक मिल सके, मैं आपके साथ जुड़ सकूँ। अब मिर्ची जो है पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है, आपने भी तब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो चलते हैं इसे पीसने के लिए। ये लाल मिर्चों को पहले डाल देते हैं हम। थोड़ी सी चीनी पिघल चुकी है, थोड़ी साबुत है, पर पूरा ही आपको डालना है। ये पिस नहीं पा रही है इसके लिए सिरका नहीं डाल रही हूँ। इसको प्रिजर्व करने में मदद करती है चीनी, नमक और सिरका, इसलिए मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप सिरका। और क्योंकि ये 1/2 kg था तो इसमें थोड़ा और बढ़ा के हम सिरका डाल देते हैं बस, और इसे पीस लेते हैं। इसे मैंने पीस लिया है। इस वक्त मार्केट में बहुत सस्ती, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्ची मिल रही है, बनाकर खूब सारा एंजॉय कर सकते हो और मार्केट से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, जब मैं मार्केट की लेती हूँ, जब मुझे ये ख़त्म हो जाती है तब मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें कलर ऐड करना पड़ता है। इतने काले कलर की मिलती है ना मार्केट में, मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो बॉटल मेरे पास रखी है। जब आप घर में बनाओगे कितनी बढ़िया रेड कलर की बनती है, ये देखिए। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत परफेक्ट है और इसे छानने की भी एक्चुअल ज़रूरत नहीं थी, पर क्योंकि कुछ दाने ना हो, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगे, इसलिए मैं इसे छान रही हूँ। ये सॉसेस आपको पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हर घर में ये रेसिपी बन सके। अगर आपको इस वक्त लगता है कि हमें थोड़ा सा पीसने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या डालेंगे इसमें और ज़्यादा ऐड करेंगे, वो है सिरका, पानी नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए पूरा मैंने इसे छान लिया है। अब ये थोड़ा सा जो वेस्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा मोटा है पार्ट, इसको हम फेंकेंगे नहीं, सब्जियों की ग्रेवी में तो हम यूज़ कर सकते हैं या कुछ चाइनीज़ आइटम बनाएंगे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो बॉटल ली है, तो मेरे पास पुरानी सॉस की बॉटल रखी थी, उससे मैंने लिया है, साफ़ किया है और उबलते हुए पानी के अंदर इसे थोड़ा बॉईल कर दिया है। इस तरीके से करने से होता ये है कि ये बॉटल साफ़ हो जाती है और हमारी सॉस ख़राब नहीं होती है। आपने देखा मैंने बॉटल में इसे बहुत अच्छे से छान लिया है, काफ़ी गाढ़ी है। अगर आप चाहें तो जब हम उबालते हैं उसमें थोड़ा पानी आप रहने दें, अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी लूज चाहिए, मुझे थोड़ी थिक चाहिए होती है तो मैंने थोड़ा थिक बनाया है। लेकिन कच्चा पानी आप नहीं डालेंगे, सिरका डालना है या फिर वो जो उबला हुआ पानी उसी के अंदर था। अब यहाँ पर मैं आपको कटोरी में दिखा रही हूँ इसका कलर कितना परफेक्ट है। बिल्कुल दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि प्याज लहसुन नहीं डालेंगे तो उसका स्वाद कैसे आएगा, 100% आएगा। आप बना कर देखिए और यहाँ पे देखिए इसका कलर बहुत काला आता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इनकेस इमरजेंसी में आप ऐसा नहीं करें, जो सूखी लाल मिर्चें आती हैं दो टाइप की, उनसे भी आप बना सकते हो चिली सॉस। एटलीस्ट ऐसा कलर नहीं लेकिन थोड़ा दबा हुआ, बहुत अच्छी बनेगी घर। इसमें भी मैं सिरका डाल रही हूँ 1/4 कप। इसे भी मैंने पीस लिया, इसे भी मैं छान लेती हूँ। ये देखिए कलर जो है ये नेचुरल है। अब देख लीजिए इसकी भी कंसिस्टेंसी, इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट है। जो बॉटल हम 40-45-55 रुपीस की लाते हैं उस मात्र हमें 15 रुपये में घर में पड़ती है, 15 रुपीज़ ईच बॉटल, कितनी सस्ती है। और कोई कलर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, बनाए जाओ बस खाए जाओ। पूरी सर्दियां आप खाइए, जब मिर्चियां जाने वाली होंगी तब स्टोर करके रख लीजिए आगे के लिए। ग्रीन चटनी तैयार है, इसे मैं कटोरी में भी आपको दिखाती हूँ। ये दोनों सॉसेस बन चुकी हैं, अब एक बॉटल खाली है जिसे हमें भरना है, वो है सोया सॉस। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे फ्लेवर में और बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, आप क्या यूज़ कर सकते हैं मुझे ज़रूर बताइए।
सोया सॉस को घर में बनाना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि उसे मशीनों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके बनाया जाता है, उसमें उसको फर्मेंट किया जाता है। सोया सॉस जो बनती है वो 9 to 12 months में जाके बनती है, उसका लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए उसे घर में तो नहीं बना सकते, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट मिलता जुलता 90% उसमें टेस्ट आए वो हम सॉस घर में बना सकते हैं। चाहिए हमें थोड़ी होती है लेकिन परेशान होते हैं जब होती नहीं है, तो क्यों ना उसे घर में बना लिया जाए। तो सबसे पहले इस पैन में मैं ले रही हूँ चीनी, 5 tablespoons चीनी ले रही हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, इसका कैरेमल बनाना है हमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोयाबीन की दाल लेंगे। सोयाबीन की दाल को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और इस तरीके से पाउडर बना लिया है, तो 1 चम्मच ही चाहिए एक बॉटल के अंदर। अभी मैं इस पाउडर के साथ बना रही हूँ। ये जो मैं सोया वगैरह यूज़ कर रही हूँ ना, आपको लगेगा अगर गाढ़ा करने के लिए यूज़ ही करना है तो हम चाइनीज़ डिश में कॉर्नफ्लोर आरारोट तो डालते ही हैं, उसे भी डालकर तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वो डालेंगे तो बहुत ही गंदी हो जाएगी सॉस, बिल्कुल मत करती ये करना। अगर आपके पास इमरजेंसी में, मैंने पहले भी सोया सॉस आपको बना के दी है जब हमने नूडल्स बनाए थे, चांस वाली बात है उस दिन मेरे पास सोया सॉस ख़त्म हो गई थी, मैंने फटाफट से आपको बना के दिखाई थी। अगर आपको देखना है तो उस रेसिपी को मैं नीचे दे दूँगी, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया नूडल्स बनते हैं। तो अगर आपके पास इमरजेंसी में कुछ भी नहीं है, बनाना भी है, तो आप गेहूँ का आटा जो होता है ना वो ले सकते हैं इसके लिए, अगर आपको सोया का पाउडर नहीं है, और सोया का पाउडर है तब तो बेस्ट ही है। तो ये देखिए चीनी हमने कितनी बढ़िया पका ली है, ये देखिए कितना डार्क कलर आया ना, ये इंस्टेंट है, अच्छा टेस्ट है, इजीली घर में बन जाती है, क्या दिक्कत है, क्यों सोया सॉस को हम 9 महीने टाइम दें, आराम से हम घर में बना लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें पानी, 1/2 cup मैंने पानी डाल दिया है। एक और बात मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो सोया सॉस बनता है थोड़ा लाइट कलर का बनता है, आप चाहें तो आधा चीनी आधा गुड़ ले सकते थे तो और ज़्यादा डार्क कलर का बनेगा। अभी हमें पानी डाल चुकी हूँ, अब वापस से इसे गाढ़ा करना है, थोड़ा पकाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 tablespoons विनेगर। मैंने ये सोया का आटा लिया है और इसमें विनेगर या पानी डालकर इसे मिक्स कीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक करीब 1 teaspoon भर के। इसका बिटर टेस्ट आ गया क्योंकि कैरेमल को हमने ओवर कुक किया, विनेगर की वजह से इसमें खट्टापन भी आ गया, थोड़ा सा हल्का सा माइल्ड चाहिए था। और यहाँ पर ये जो है हमारे पास सोया का पाउडर जिसे मैंने घोल के इसके अंदर डाल दिया, इसके साथ हम पकाएंगे। अभी लाइट कलर की लग रही है लेकिन थोड़ी देर बाद ये डार्क कलर की हो जाएगी। ये पक चुकी है, गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए इसे हम ठंडा करके छान लेते हैं। तो इस तरीके से आप सोया सॉस को बनाकर तैयार करके रख सकते हैं, आप इसे 15 से 20 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं, बाहर भी रखेंगे ठंड में तो ख़राब नहीं होगी। इसे बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखना है, लगती भी बहुत कम है, और इसे आप थोड़ी थोड़ी बनाकर यूज़ कीजिए। गाढ़ा करना है थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा डाल दीजिए, पर मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा लाइट रखा है। आपको कटोरी में डालकर दिखाती हूँ, सोया सॉस का सब्स्टिट्यूट तैयार है।